तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश भर में कार्यरत विभिन्न डिग्री लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य जो टेक्निकल संस्थान है उनमें कार्यरत टीचर्स और अदर या फिर जो अन्य सेक्शन के स्टाफ है उनके सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नया लेवल नई सैलरी के बारे में। तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से 18 जनवरी 2019 को एक लेटर जारी किया गया है और इसमें सभी जो डिग्री लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें कार्यरत सभी टीचर्स और जो एकेडमिक स्टाफ है जिसमें कि प्रोफेसर हैं, लाइब्रेरियंस हैं, उन सबको यहाँ पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दे दिया गया है और उनको भी अब बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही सातवें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। तो अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि कितना आपका नया लेवल रहेगा, कितनी आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी रहेगी, इस सब के बारे में। तो बने रहें आप इस वीडियो से दोस्तों। उम्मीद करते हैं जो सूचना आपको इस वीडियो में दी जाएगी जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे उन तक भी ये खबर पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं यानी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन विभाग से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। सीधे यहाँ पर हम चलते हैं कि आपका जो नया पे मैट्रिक्स है वो कितना रहेगा और आपकी जो रिवाइज पे है हर एक पोस्ट के अनुसार वो कितनी रहेगी। तो जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिनको कि 6000 ग्रेड पे में था उनका जो पे बैंड 15600 से शुरू होकर 39100 रुपये था, अब उनको असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 माना जाएगा और उनका जो नया लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा लेवल 10। उनकी जो मिनिमम एंट्री पे है वो रहेगी यहाँ पर 57700 रुपये। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि पहले 7000 ग्रेड पे में आते थे उनका अब नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा 11 और उनकी जो मिनिमम एंट्री पे रहेगी वो रहेगी 68900 रुपये। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि पहले 8000 रुपये ग्रेड पे में आते थे उनको यहाँ पर अब असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 3 उनका नाम यहाँ पर कर दिया गया है और उनको जो नया लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 12 और मिनिमम एंट्री पे यहाँ पर जो रहेगी उनकी यानी 79800 रुपये। और उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे पहले एसोसिएट प्रोफेसर अब यहाँ पर उन्हें भी एसोसिएट प्रोफेसर ही कहा जाएगा लेकिन वो लेवल यहाँ पर हो जाएगा लेवल 13A1 और उनकी जो मिनिमम यहाँ पर एंट्री पे रहेगी वो रहेगी 1,31,400 रुपये। उसके बाद में प्रोफेसर अब उनको प्रोफेसर ही माना जाएगा लेकिन उनका जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर लेवल रहेगा 14 और मिनिमम एंट्री पे रहेगी उनकी 1,56,200 रुपये। उसके बाद में प्रोफेसर तो उनको यहाँ पर अब सीनियर प्रोफेसर माना जाएगा और नया जो लेवल है यहाँ पर लेवल 15 हो जाएगा, उनकी जो यहाँ पर एंट्री पे है वो रहेगी 1,82,200 रुपये। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर जो टीचर जो यानी जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो लाइब्रेरियंस हैं उनको भी नया पे यहाँ पर इस प्रकार रहेगा, उनका नया लेवल भी यहाँ पर इस प्रकार रहेगा मिनिमम। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन है उनको यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और वो जो नया लेवल यहाँ पर रहेगा 10 और मिनिमम जो एंट्री पे है वो रहेगी 57,700 रुपये। उसके बाद में असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर सीनियर स्केल कॉलेज लाइब्रेरियन सीनियर स्केल उसके बाद में जो पहले 7000 ग्रेड पे में थे अब यहाँ पर उनका लेवल हो जाएगा यहाँ पर लेवल 11 और मिनिमम एंट्री पे उनकी रहेगी 68,900 रुपये। फिर डिप्टी लाइब्रेरियन अब उन्हें डिप्टी लाइब्रेरियन ही यहाँ पर सेम पोस्ट का नाम सेम रहेगा लेकिन उनका जो नया लेवल वो रहेगा हो जाएगा यहाँ पर 12 और उनकी एंट्री पे यहाँ पर हो जाएगी 79,800 रुपये। फिर चीफ लाइब्रेरियन उनका जो पहले ग्रेड पे था 9000 रुपये अब उनका लेवल यहाँ पर हो जाएगा 13A1 और एंट्री पे रहेगी उनकी 1,31,400 रुपये। उसके बाद में जो फिजिकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उनकी नया लेवल यहाँ पर इस प्रकार रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन उनका लेवल यहाँ पर रह जाएगा 10 और उनकी एंट्री पे हो जाएगी 57,700 रुपये। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन सीनियर स्केल लेवल 11 हो जाएगा और उनकी एंट्री पे यहाँ पर दी जाएगी 68,900 रुपये। फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन उनका लेवल हो जाएगा यहाँ पर 12 और एंट्री पे उनकी रहेगी 79,800 रुपये। फिर यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन उनका लेवल यहाँ पर रहेगा 13A1 और एंट्री पे रहेगी 1,31,400 रुपये। तो दोस्तों 1 जनवरी 2016 से ही आपको नए ये पे मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा, साथ में ही जो अलाउंसेस हैं उनका लाभ भी यहाँ पर उसी यानी आपको दिया जाएगा 1 जुलाई 2017 से, क्योंकि बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 2017 से ही बढ़े हुए अलाउंसेस का लाभ दिया गया था। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की 1 जनवरी 2016 से ही ये जो नए नियम है ये लागू रहेंगे। और सीधा हम चलते हैं यहाँ पर आपकी जो पे मैट्रिक्स है वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा ये ऑर्डर है, यहाँ पर लगभग 8 पेज का ये ऑर्डर है।
तो हर एक के बारे में चर्चा करने से वीडियो अभी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सीधा देख लेते हैं कि जो पे मेट्रिक्स है आपके लिए, ये काफी महत्वपूर्ण थे। पे मेट्रिक्स आपके सामने है, आपकी जो वर्तमान ग्रेड पे भी यहाँ पर दी गई है, और पे बैंड भी दिया गया है, उसके बाद में जो नया लेवल है वो भी यहाँ पर आपका दिया गया है, और पुरानी जो एंट्री पे थी वो भी दी गई है, और नई जो एंट्री पे रहेगी वो भी यहाँ पर दी गई है। तो जो 6,000 ग्रेड पे में जो पहले आते थे उनको यहाँ पर 57,700 रुपये मिनिमम एंट्री पे मिलेगी, उसके बाद में 7,000 वालों को अब यहाँ पर 68,900 रुपये ग्रेड पे मिलेगी, लेवल उनका हो जाएगा 11। 8,000 वालों को जो ग्रेड पे थी पुरानी, उनको यहाँ पर लेवल हो जाएगा उनका 12, और उनकी जो मिनिमम एंट्री पे रहेगी वो यहाँ पर हो जाएगी 79,800 रुपये। उसके बाद में जो 9,000 ग्रेड पे वाले थे पहले, उनका नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा 13A1, और मिनिमम एंट्री पे यहाँ पर हो जाएगी 1,31,400 रुपये। उसके बाद में जो 10,000 ग्रेड पे वाले थे उनको नया लेवल यहाँ पर रहेगा 14, और एंट्री पे मिनिमम रहेगी 1,44,200 रुपये। फिर जो HSG स्केल में थे उनका नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा 15, और उनकी मिनिमम यहाँ पर एंट्री पे रहेगी 1,82,900 रुपये। साथ में इसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेस हैं उनका भुगतान भी यहाँ पर किया जाएगा। सभी शैक्षणिक और जो लाइब्रेरियंस वगैरह हैं उनको, टीचर्स को भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी ये खबर। यदि आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, और ऐसे ही लेटेस्ट और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।